नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सीएम बघेल की पीएम मोदी को एक और चिट्ठी, कहा वैक्सीनेशन में आर्थिक और सामाजिक पिछड़ों को मिले प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम को लगा झटका, राज्य को नहीं मिलेगा 3 महीने तक कोवैक्सीन। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बड़ी राहत, दुर्ग नगर निगम में मनपसंद आराम वाली जगह में ड्यूटी करने की छूट, मान मातृत्व अवकाश की तत्काल मिलेगी मंजूरी। भिलाई का स्टील प्लांट बना संकट मोचन, एयरलिफ्ट कर रायपुर लाए गए ऑक्सीजन टैंकर, भिलाई से ऑक्सीजन फिलिंग के बाद जाएंगे इंदौर। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में 219 लोगों की मौत, एक दिन में 15,000 के पार मिले मरीज। प्राणवायु लेकर एमपी और हरियाणा चली रेल, बोकारो से दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस जबलपुर और सागर के लिए रवाना। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बालोद से, जहां पूर्व सरपंच प्रभा देवी भूषण निषाद के घर प्रशासन की रेड। जनप्रतिनिधि रहने के बाद भी कोरोना काल में लापरवाही, लड़की की शादी में पहुंचे थे 30 से अधिक लोग। बालोद ब्लॉक के तारौद गांव का मामला। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं बालोद से, जहां पूर्व सरपंच प्रभा देवी भूषण निषाद के घर छापेमारी की गई। जनप्रतिनिधि रहने के बाद भी कोरोना काल में लड़की की शादी में पहुंचे थे 30 से अधिक लोग। बालोद ब्लॉक के तारौद गांव का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लड़की की शादी में पहुंचे थे 30 से अधिक लोग। बालोद ब्लॉक के तारौद गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त बालोद से बड़ी खबर है, जहां लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती, प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, कई जगह किराना की दुकानों को किया सील, चोरी छिपे सामान बेचने वालों पर मचा हड़कंप। जिस पर दिन पर दिन कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बढ़ती जा रही है, प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दुकानों को सील किया जा रहा है। प्रशासन की ये बड़ी कार्यवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि घरों में रहें और दुकानें बंद करने की भी नियम है कि दुकानें लोग बंद करे रहेंगे लॉकडाउन के दौरान। लेकिन जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं प्रशासन उन पर सख्त कार्यवाही कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर दुकान को बंद कर उसको सील किया जा रहा है। बता दें कि कई जगह किराना की दुकानों को सील किया जा रहा है, वहीं चोरी छिपे सामान बेचने वालों पर इसको देखते हुए हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 18 साल से ऊपर के लोगों को आज से वैक्सीन लगेगी, जहां सीएम भूपेश बघेल ने बैठक में फैसला लिया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान जारी करते हुए कहा कि जितनी वैक्सीन आ रही है उसे 1 मई से ही लगाना शुरू करेंगे। आज 12:30 बजे वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, वहीं गरीबों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाएगी। पहले राशन कार्ड, फिर बीएल और फिर एपीएल कार्ड धारकों को वैक्सीन लगेगी। वहीं वैक्सीन के 1.5 लाख डोज लगेंगे। हर विकास खंड में 800 वैक्सीन भेजे जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र के नगर नियमों में हर नगर निगम में 2300 वैक्सीन भेजी जाएगी, जहां समय वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, वहीं वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया है। जगह टीका कल रवाना कर देंगे और टीकाकरण रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में जरूर ऐसा लगता है कि कल हो जाएगा, और अन्य संभागों में समय से अगर पहुंच सके, वरना परसों बाकी संभाग के जिलों में, बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में
परसों ये टीकाकरण का कार्यक्रम चालू होगा। तो एक ठोस निर्णय लेके कि टीकाकरण में देरी ना हो, आज ये निर्णय ले लिया गया है। जहां एक और पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, जिससे हमारा कोरिया जिला पीछे नहीं रहा। कोरिया जिले के कलेक्टर SN राठौर जी के द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया, जो 28 अप्रैल से 6 मई तक है। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के कारण कुछ बाइक चोरों का काम आसान हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में बाइक चोरी की सूचना मिली थी, जिसकी रिपोर्ट उक्त बाइक मालिक के द्वारा मनेन्द्रगढ़ थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस के द्वारा छानबीन करने के दौरान महावीर यादव चोर के घर से 3 बाइक बरामद की गई है। धमतरी जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नियंत्रण के लिए मगरलोट तहसीलदार हेमलता हडियार सख्त तथा गंभीर हो गए हैं, जिसमें तहसीलदार द्वारा COVID-19 के दूसरी लहर के नियंत्रण के लिए घर घर जाकर लोगों से अपील की जा रही है। वहीं टीका लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही जो लोग वैक्सीन लगाने से मना कर रहे थे, उन्हें पूरी जानकारी देकर वैक्सीन लगाने की सलाह दी जा रही है, जिसमें लोगों के मन में भय और अफवाहों की वजह से टीका नहीं लगा रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से जानकारी दी जा रही है। टीका लगाना अनिवार्य है। वहीं मगरलोट तहसीलदार हेमलता ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक होने और कोरोना लक्षण दिखाने पर खुद को आइसोलेट करने की भी बात कही है। वहीं जो लोग बेवजह बाहर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी चालान भी काटे जा रहे हैं। ग्राम पंचायत गुरेरी में टीकाकरण के लिए विशेष शिविर लगाया गया है। क्योंकि यहाँ अभी टीकाकरण का प्रतिशत कम है, इसलिए कल से यहाँ शिविर लगाया गया है। और आज हम लोग तहसील की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से और ग्राम पंचायत की तरफ से घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए अपील किए हैं। कुछ लोग थोड़ा सा अभी रेजिस्टेंस है लोगों के मन में, जो जी सर आपके द्वारा ग्राम पंचायत में आज टीकाकरण के लिए जागरूकता रैली का सर, इसमें ग्राम पंचायत कितने लोग सहमत हो पाए हैं, सहमत मिला ग्राम में। 26 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते 2 महीने की मासूम रूही की मौत होने से रूही को न्याय दिलाने श्रीराम जन्मोत्सव समिति ने स्थानीय विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके दुर्ग कलेक्टरेट पहुंचकर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी से मुलाकात कर घटना की जानकारी देते हुए दुर्ग जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप कर दोषियों पर जल्द कार्यवाही की मांग की गई है। बता दें कि कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में आगामी दिनों में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। श्री राम जन्मोत्सव समिति की हमारी टीम और माननीय पार्षद लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये मामला उस 2 माह की बच्ची का है, सिस्टम ने जिसको मार दिया। आज इस बच्ची के साथ साथ ना जाने कितनी सैकड़ों मौतें ऐसी हो गई होंगी जो इनके सिस्टम की लापरवाही से हुई है। और कई ऐसे मामले हैं जिसमें लोगों को निगेटिव और पॉजिटिव कर दिया जाता है। कई ऐसे लोग निगेटिव होते हैं जिन्हें पॉजिटिव बोलकर उन्हें कोविड वार्ड में एडमिट करा दिया जाता है, और यहाँ तो व्यवस्था का कोई आलम ही नहीं है। श्री राम जन्मोत्सव समिति आप सभी के माध्यम से सिर्फ एक घोषणा करना चाहती है कि इस 2 माह की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है, इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। समिति के युवा शाखा के सभी साथी कलेक्टर साहब से मुलाकात करने के लिए कलेक्टर ऑफिस आए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही और लचर व्यवस्था के कारण 2 माह की बच्ची को जान गंवाना पड़ा, क्योंकि जब बच्ची का तबीयत बिगड़ा तो परिजन उसको दुर्ग जिला अस्पताल ले गए। वहाँ पर बच्ची का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव बताकर उसको सीधे रायपुर जिला अस्पताल पंडरी भेजा गया, और कुछ ही देर में जब बच्ची की मौत हो जाती है, मौत के बाद जब उसका संस्कार हो जाता है, तो वहाँ से फ़ोन आता है परिजन को
कि बच्ची का रिपोर्ट निगेटिव है। आज श्रीराम जन्मोत्सव समिति युवा शाखा द्वारा हम सभी युवा साथी पार्षदगण आज कलेक्टर साहब से एक विषय को मिलने आए थे। आप सभी जान रहे हैं कि 2 माह की एक बच्ची रूही, जिसका नेगेटिव और पॉजिटिव के खेल में हम सबके बीच मैच नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घोर लापरवाही जिला प्रशासन दुर्ग द्वारा की गई है। चूँकि अभी लॉकडाउन का समय है, सारे लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, इसलिए इस विषय पे बहुत लोग इकट्ठा होकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पूरे शहर में एक रोष का माहौल है। उस माहौल को हमारी समिति आज कलेक्टर साहब के माध्यम से उनको आवेदन देने आई थी कि जल्द से जल्द जिला के जितने भी वो अधिकारीगण हैं उन पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाए। बलौदाबाजार जिले में कल तक की बात करें तो टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 28,851 रिकवरी बताई गई, वहीं 20,571 वहीं संक्रमित लोगों की संख्या 7,999 और कोरोना से मौत जिले में 281 है। वहीं बलाईगढ़ ब्लॉक की बात करें तो कल तक संक्रमित 812, रिकवर्ड 454 और मरने वालों की संख्या 4 आंकी गई है। ऐसे में लगातार कोरोना के बढ़ते पैराग्राफ को देखते हुए बलौदाबाजार जिले में 18 वर्ष से अधिक के लोगों को टीका लगाया जाएगा। वहीं भिलाईगढ़ नगर पंचायत के कर्मचारी द्वारा भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है और लोगों को जानकारी भी दी जा रही है। खबर बलरामपुर से है, जहां टीकाकरण के प्रति जागरूक का काम करने वाले शिक्षक के ऊपर कुछ ग्रामीणों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके बाद शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी शिकायत विजयनगर चौकी में दर्ज कराई गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत महावीरगंज का है। कबीरधाम जिले के कलेक्टर रमेश शर्मा ने जिलेवासी से अपील करते हुए कहा कि कोरोना टीकाकरण के पूर्व रक्तदान अवश्य करें। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना टीकाकरण के 45 दिन तक रक्तदान नहीं किया जा सकता है। आप सभी को विदित है कि आगामी दिनों में जल्द ही 18 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के लोगों का कोरोना टीकाकरण आरंभ होने वाला है। कोरोना के कारण पहले ही ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता कम है। ऐसे में टीकाकरण के बाद ब्लड बैंक में स्थिति और चिंताजनक न हो, इसके लिए ब्लड डोनेट करें, क्योंकि जरूरतमंदों को समय पर ब्लड उपलब्ध कराने के लिए ब्लड बैंक में पर्याप्त यूनिट में ब्लड होना जरूरी है। कोरोना काल में हम ब्लड डोनेशन कैंप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में आपके द्वारा किया गया रक्तदान लोगों की जान बचाने में मददगार साबित हो सकता है। जिले के सभी वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रक्तदान करें। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ ब्लड बैंक सिर्फ 29 यूनिट ही ब्लड बचे हुए हैं। आगामी समय में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों का वैक्सीनेशन होना है और वैक्सीनेशन के बाद लगभग 45 दिवस तक वह जिनको वैक्सीनेशन हुआ है वो ब्लड दान नहीं कर पाएंगे। तो आपातकालीन स्थिति में यदि हमारे जिले में ब्लड की आवश्यकता होती है ऐसे पेशेंट को, तो हमारे पास ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। तो मैं सभी जिलेवासियों से करबद्ध अपील करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में रक्तदान करें और आपातकालीन स्थिति में सहायता हो सके। जिससे खबर कोरबा से है, जहां राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने शुक्रवार को सीपेट कोविड अस्पताल में 228 ऑक्सीजनेट बिस्तरों का लोकार्पण किया। बता दें कि सीपेट अस्पताल में अब ऑक्सीजनेट बिस्तरों की क्षमता 150 से अधिक हो गई है। अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध होने के अब मॉडरेट संक्रमण वाले कोविड मरीजों को इलाज के लिए ESIC कोविड अस्पताल में रेफर नहीं करना पड़ेगा। इस अवसर पर नगर निगम के सभाधिक श्याम सुंदर सोनी, जिला पंचायत के CEO कुंदन कुमार समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कोरोना से देश में 24 घंटे में 4 लाख केस आए। अमेरिका में मिले
7 गुना नए संक्रमण। भाजपा शासित 5 राज्यों समेत 11 अन्य वैक्सीनेशन से इनकार। केंद्र में कहा राज्यों के पास 1 करोड़ से अधिक डोज उपलब्ध। स्वास्थ्य विभाग का फरमान, बिहार में कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों को 2 किस्तों में मिलेगा रेमडेसिविर। बिहार में कोरोना से 152 पेशेंट ने तोड़ा दम, स्वास्थ्य विभाग कर रहा मात्र 80 संक्रमितों के मौत की पुष्टि। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ऑक्सीजन टैंक लगाने की अनुमति, कैबिनेट की अहम बैठक में मिली मंजूरी। 30 दिन में 99,000 ने दी कोरोना को मात, संक्रमण बढ़ा लेकिन मौत पर विजय पाने वालों ने बनाया रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। इस वक्त बिहार से बड़ी खबर आ रही है जहां सीवान के पूर्व बाहुबली सांसद का कोरोना से निधन। मोहम्मद शहाबुद्दीन हारे कोरोना से जंग। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कराया गया था भर्ती। मोहम्मद शहाबुद्दीन स्थिति बनी हुई थी गंभीर। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं बिहार से जहां सीवान के पूर्व बाहुबली सांसद का कोरोना से निधन हो गया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन कोरोना से जंग हार गए। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था इलाज के लिए लेकिन कोरोना के चलते उनका निधन हो गया है। बिहार से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीवान के पूर्व मोहम्मद शहाबुद्दीन कोरोना से जंग हार। इस वक्त बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है जहां दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मां के गले से चैन छीनकर भाग रहे थे आरोपी। विरोध करने पर आरोपियों ने बेटे को मारी गोली। चकिया थाना क्षेत्र के सिमरिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मां के गले से चैन छीनकर भाग रहे थे आरोपी। हथियार के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। वहीं आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सदर अस्पताल बेगूसराय का निरीक्षण किया। वहीं डॉक्टरों और सिविल सर्जन से कोविड-19 जानकारी ली। वहीं जांच कराने आए लोगों में केंद्रीय मंत्री को लेकर काफी नाराजगी देखी गई। कई लोगों ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि मरीजों को देखा भी नहीं जाता है, सदर अस्पताल में उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। वहीं पत्रकारों से बसते केंद्रीय मंत्री ने किसी के सवालों का जवाब नहीं दिया। देखिए यहाँ पे गिरिराज सिंह आ गए केंद्रीय मंत्री और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हासिल होंगे। की न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई है, लेकिन लोग लगातार स्थानीय प्रशासन की मदद से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बेगूसराय के एक बखरी थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में 1000 से भी ज़्यादा भीड़ थी, जिस भीड़ में लगभग 50 कोरोना से संक्रमित मरीज भी शामिल थे, जबकि शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं दी गई है। स्थानीय प्रशासन को वहां के स्थानीय निवासी द्वारा फोन करके सूचित करने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। हालांकि वहां के स्थानीय का कहना है कि थाना में रेड चार्ट उपलब्ध है, समारोह में जितनी संख्या ज्यादा होती है उतनी मोटी रकम ढीली करनी होती है। ऐसी घटना केवल यहां नहीं बल्कि अनेकों जगह हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन लगातार लोगों से गाइडलाइंस को मनाने की अपील कर रहा है। बिहार और यूपी को जोड़ने वाली सीमावर्ती इलाके में बना जनेश्वर मिश्र पुल को बिहार और यूपी को जोड़ने का काम करता है। उस पुल पर इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। हालांकि पुल के महज कुछ ही दूरी पर रामदास राय डेरा ओपी का बसेरा है।